मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू फैंटेसी टिप्स बाय सलचम। तो ये हम लोग बात करने वाले हैं आज का जो आईपीएल का मैच होने वाला है लखनऊ और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में, इस मैच के बारे में। तो इस मैच से एक इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है कि दिल्ली कैपिटल के साइड से आपको डेविड वार्नर आज खेलेंगे और वो ओपनिंग करेंगे, यानी कि टीम सैफर्ट को आज रेस्ट दिया जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है क्योंकि दिल्ली कैपिटल का जो है टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो रहा था, इसीलिए अब डेविड वार्नर और वैसे भी जो भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं वो सभी को रेस्ट्रिक्शन था 6 अप्रैल तक नए खेलने के लिए, बट आज 7 अप्रैल है तो आज से शायद डेविड वार्नर खेलेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में बता दूँ 3 टाइप का गिव वे। पहला गिव वे फर्स्ट 3 कमेंट वाले को हम लोग 101 रुपीज़ करके देते हैं, बाकी 2 टाइप का गिव वे आगे वीडियो में आपको बताते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं इस मैच की, तो ये मैच आपको होने वाला है DY पाटिल स्टेडियम मुंबई में, ठीक है। और यहाँ से देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कुछ प्लेयर्स का, पृथ्वी शॉ जैसे कि 2021 का अगर आपको देखना है वो देख लीजिए। रिकॉर्ड बस मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, आप लोग इसको आराम से धीरे धीरे देख लीजिएगा। 2022 में जो है इसके 2 मैच में 2 इनिंग में ये 48 रन बनाए हैं। डेविड वार्नर अभी तक एक भी इनिंग नहीं खेले हैं, ठीक है। और यहाँ से मनदीप सिंह जो है 2 मैच में 2 इनिंग में 18 रन बनाए हैं। और यहाँ से ऋषभ पंत की बात करें तो 2 मैच में 44 रन, ललित यादव 2 मैच में 73 रन, शार्दुल ठाकुर 2 मैच में 24 रन, ठीक है। और साथ ही साथ बॉलिंग में इन्होंने 2 मैच में 8 ओवर फेंका लेकिन अभी तक एक भी विकेट नहीं लिया। अक्षर पटेल की बात करें वहीं तो इन्होंने ही विकेट नहीं लिया है, तो आज के मैच में आप अक्षर पटेल को थोड़ा इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहां से बात करते हैं कुलदीप यादव की, तो कुलदीप यादव जो है आपको 4 विकेट ले चुके हैं 2 इनिंग में। मुस्तफिजुर रहमान पहला मैच ही खेले थे और पिछले मैच में ही आपने देखा इन्होंने 3 विकेट लिया। वहीं बात करें खलील अहमद की तो 2 मैच में इन्होंने भी 4 विकेट ले लिया है। अब बात करते हैं इधर से पॉवेल की, तो 2 मैच में इन्होंने बस 20 रन बनाया। KL राहुल 3 मैच में 108 रन बनाया जिसमें कि हाईएस्ट इन्होंने 68 रन मारा है। क्विंटन डिकॉक 3 मैच में 69 रन जिसमें कि 1 मैच में इसने 61 रन बनाया और बाकी 2 मैच में फ्लॉप रहे हैं। वहीं इवन लुइस की बात करें तो 3 मैच में 3 इनिंग में इन्होंने 66 रन बनाया है और हाईएस्ट इनका 55 है, बाकी 2 मैच में फ्लॉप रहे हैं। मनीष पांडे 3 मैच में आपको यहाँ बस 22 रन बनाया। मनीष पांडे कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं, फ्लॉप चल रहे हैं कंटिन्यू। और बात करते हैं दीपक हुडा की, तो दीपक हुडा बहुत ही अच्छे फॉर्म में है और इन्होंने अभी इस बार आपने देखा पिछले 3 मैचेज में इनका रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा है। और आयुष बंदोई की बात करें तो इन्होंने 3 मैच में 92 रन बनाए हैं। कृणाल पांड्या 3 मैच में 2 इनिंग में इन्होंने 27 रन बनाए हैं और विकेट भी इन्होंने 3 लिए हैं अभी तक। होल्डर पिछले मैच में ही इन्होंने अपना 3 विकेट लिया हुआ था, ठीक है। होल्डर की बात करें तो पिछले मैच में इन्होंने 3 विकेट लिया, फर्स्ट मैच था इनका। और आवेश खान यहाँ से 3 मैच में 7 विकेट ले चुके हैं। और बात करते हैं हम रवि बिश्नोई की, तो इन्होंने भी 3 मैच में 2 विकेट लिया और वो दोनों एक ही दिन शायद लिया था। और एंड्रू ट्राई 1 विकेट लिए हुए हैं, सॉरी इनका डाटा 2020 का है एंड्रू ट्राई का, चलिए ठीक है बॉल। अब हम बात करते हैं दूसरे रिकॉर्ड पर, ये मैं आपको बस ऐसे दिखा दिया। आज का स्टेट्स थोड़ा सा बनाने में टाइम हो गया था, बाकी कल से आपको स्टेट्स बहुत तगड़ी मिलेगी। तो चलिए अभी बात करते हैं हम लोग अपने पुराने स्टेट्स पे। तो यहाँ का जो पिच है ये आपको बैटिंग फ्रेंडली है, बॉल जो है अच्छी तरीके से बैट पे आती है। और यहाँ से इंजरी लखनऊ के साइड से कुछ भी नहीं है, दिल्ली के साइड से भी कोई इंजरी नहीं है। स्टार्टिंग देखिए हम अपनी KL राहुल, क्विंटन डिकॉक, कैदिवान लुइस, मनीष पांडे, दीपक हुडा, आयुष बंदोई, कृणाल पांड्या, जेसन होल्डर, एंडुटा, रयूस ने, आवेश खान। और यहाँ से डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ, मनदीप सिंह, ऋषभ पंत, ललित यादव, पॉवेल, शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल, खलील अहमद, कुलदीप यादव और मुस्तफिजुर रहमान। और इंपॉर्टेंट प्लेयर की बात करें तो इंपॉर्टेंट प्लेयर यहाँ से आपको KL राहुल, क्विंटन डिकॉक आपकी चॉइस अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं, अदरवाइज क्विंटन डिकॉक को थोड़ा स्पिनर परेशान कर सकते हैं, जैसे कि ये अक्षर पटेल हो गया और कुलदीप यादव हो गया, ये दोनों थोड़े से इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैं क्विंटन डिकॉक को सोचता हूँ कि छोड़ दूँ हाँ आज के मैच के लिए। इवन लुइस को ले लीजिएगा आप, मनीष पांडे को ट्राई कीजिएगा जरूर। और इधर से रवि बिश्नोई, आवेश खान और होल्डर, ये 6 प्लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप चाहें तो एंड्रू ट्राई को ट्राई कर सकते हैं, बट मेरे लिए यही 6 प्लेयर आज के मैच में इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से डेविड वार्नर, और इधर से बात करते हैं ऋषभ पंत और अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मुस्तफिजुर रहमान, ये 5 प्लेयर इधर से इंपॉर्टेंट हैं। तो ये 11 प्लेयर हो गया। अब एक दो इंपॉर्टेंट प्लेयर और बता दूं, तो यहाँ से आपको क्विंटन डिकॉक हो जाएंगे और साथ ही साथ यहाँ से आपको शार्दुल ठाकुर आज के मैच में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा शार्दुल ठाकुर पर। खलील अहमद भी ठीक ठाक कर रहे हैं, बट जो इंपॉर्टेंट मैं बताया उसके हिसाब से हम लोग टीम बनाएंगे। दिल्ली कैपिटल के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं 2 में से 1 जीता है और 1 हारा है और 6th पोजीशन पे इस टाइम पे हैं। और वहीं लखनऊ 3 में से 2 जीते हुए हैं, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए मैं आपको एक टीम दिखाता हूँ। सेकंड टाइप का गिव वे ये है कि आज के मैच में सबसे ज़्यादा रन पॉइंट नहीं, फैंटेसी पॉइंट नहीं, सबसे ज़्यादा रन कौन सा बैट्समैन बनाएगा। आपको ये बताना है कि आज के मैच में सबसे ज़्यादा रन कौन सा बैट्समैन बनाएगा, ठीक है। और ऐसे 2 विनर जो कि सही आंसर देंगे
ठीक है, उसको 151 रुपीज़ करके दिया जाएगा, और जिसका सही आंसर हो और पहले आंसर आया हो उसी को विनर डिक्लेयर किया जाएगा। और पिछले मैच के जो गिव अवे थे उनको पेमेंट थोड़ी सी आज लेट से हुई क्योंकि थोड़ा सा मैं बिज़ी हूँ, बट सभी लोगों को पेमेंट हो जाएगी, इसके लिए आप लोग टेंशन फ्री रहिएगा, 2:30 बजे तक मैं सभी लोगों का कर दूंगा। आप लोग जैसे बताया गया कि आपका जो कमेंट है मैं चैनल पर डिक्लेयर कर देता हूँ कि आप कौन कौन विनर हैं, तो आप अपने रिस्पेक्टिव कमेंट में जाके या तो आप पेमेंट नंबर डाल सकते हो तो वो डाल दीजिए, या फिर आप अपना टेलीग्राम आईडी डालिए, आईडी टेलीग्राम नाम नहीं आईडी, ठीक है, वो डाल दीजिए, आपको मैसेज करके वहां से आपका पेमेंट भेज देंगे। तो चलिए, और थर्ड टाइप का गिव अवे क्या है, 2 बेस्ट कमेंट जो कि सभी लोगों को लगे कि हाँ ये कमेंट बहुत ही अच्छा, हम लोग कमेंट सारे पढ़ते हैं, आप लोगों की सारे कमेंट को पढ़ते हैं, तो 2 बेस्ट कमेंट को हम लोग क्या करेंगे 101 रुपीज़ करके देंगे। अब हम आपको बता रहे थे टेलीग्राम चैनल पर कैसे आना है, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जैसा कि मैंने अभी विनर डिक्लेयर किया और यहाँ से आप विनिंग वगैरह देख सकते हैं सारे मैचेस की, यहाँ से देखिए सारे मैचेस की जो भी विनिंग देखनी है, रात की फुटबॉल थी बहुत ही तगड़ी गई हुई थी, आप विनिंग शॉट्स वगैरह देख सकते हैं, ठीक है, बास्केटबॉल फुटबॉल क्रिकेट सारे मैचेज बहुत ही अच्छी जाती है, जैसे कि यहाँ स्क्रीन शॉट्स वगैरह आप स्क्रॉल करेंगे आपको सब दिख जाएगा, ये देखिए बास्केटबॉल का मैच फिनिश हुआ था, ठीक है। चैनल पर कैसे आना है, आप लोगों को सीधा सर्च कर लेना है @SLCMTeam, जैसे ही सर्च करेंगे आपको चैनल दिख जाएगा, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और बात करते हैं ऐसे, तो वीडियो का टाइटल इसको टच कीजिएगा, वहाँ से डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप सीधे चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और जो भी एप्लीकेशन देखे 2-3 मैं सजेस्ट करता हूँ वो जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहाँ पे आप अलग अलग फॉर्मेट में जैसे कि 1 प्लेयर 2 प्लेयर 5 प्लेयर बैटिंग फैंटेसी बॉलिंग फैंटेसी रिवर्स फैंटेसी सब कुछ खेल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए एक टीम दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये एक टीम आपको जो कि बहुत ही बैलेंस टीम लग रही है। आप यहाँ पे एक चेंजेस कर सकते हैं, वो चेंजेस क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो दीपक हुडा को हटा के आप यहाँ से कुणाल पांड्या ले सकते हैं, अगर मन हो आपका दीपक हुडा को हटा के कुणाल पांड्या ले सकते हैं, बाकी सारे प्लेयर बहुत ही बैलेंस हैं। और यहाँ से जैसे देखिए मैंने केएल राहुल ले लिया, मनीष पांडे, इवन लुइस, इधर से मैंने पंत ले लिया, डेविड वार्नर ले लिया, बट यहाँ से आपको बैट्समैन कम दिख रहे हैं दिल्ली के साइड से, तो आप दिल्ली के साइड से आप चेंजेस कर सकते हैं, एक आपको अगर लेने की इच्छा है तो आप ऐसा कर सकते हैं, दीपक हुडा को हटा के आप दिल्ली के एक बैट्समैन को ललित यादव को या फिर आप ए बंदोई को सॉरी इसको मनदीप सिंह को ले सकते हैं, ठीक है। बट मेरे हिसाब से यही चॉइस सही है, इसमें ज़्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं, बस कुणाल पांड्या या फिर दीपक हुडा को एक आपको चूज करना है, ये 3 में से आपको एक चूज कर लीजिए जो कि आपको लग रहा है, वो आप कैसे चूज कीजिएगा बताते हैं। पहले देखिए कि बॉलिंग कौन सी टीम की आ रही है, अगर बॉलिंग आ रही है मान लीजिए लखनऊ की तो वैसे केस में कुणाल पांड्या को चूज कीजिए, अगर बैटिंग आ रही है लखनऊ की तो वैसे केस में दीपक हुडा को चूज कीजिए, ठीक है। और दिल्ली कैपिटल जैसे कि बॉलिंग आएगी तो फिर जाके इधर तो अपने पास अक्षर पटेल है ही, और इधर से हम फिर जाके दिल्ली कैपिटल अगर फर्स्ट बॉलिंग करती है वैसे केस में हम कोशिश करेंगे कि पृथ्वी शॉ को भी ले ले सेकेंड इनिंग के बैटिंग के लिए, बट फिलहाल के लिए आपको ये टीम बहुत ही बैलेंस दिख रहा है, ठीक है। बट ये टीम कब वर्क करेगी, अगर आपको लखनऊ पहले बैटिंग करती है तो, लखनऊ पहले बैटिंग करती है तो फिर ये टीम बहुत ही बैलेंस, और लखनऊ अगर पहले बॉलिंग करती है तो फिर ये टीम के साथ हम लोग चलेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आज थोड़ा सा जल्दी है, वर्क प्रेशर कुछ ज़्यादा हो गया और थोड़ा सा शेड्यूल गड़बड़ हो गया मेरा, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो सब आराम से आएगी, बट मेरा टाइम जो है 10:15 मैं इसी को मेंटेन करता हूँ हमेशा, तो आप लोग बस इस टाइम में एक्टिव रहा कीजिए, और जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा, और सभी लोग गिव अवे में पार्टिसिपेट कीजिए, आंसर दीजिए, इनसे आपका जाया क्या रहा है, बस आपको जाके एक कमेंट करना है, आंसर देना है, अगर आपका सही होता है तो आपको प्राइज़ मिल जाएगा, साथ ही साथ हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग हमारे बारे में कुछ बोलते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को यहीं रोकते हैं, काम आ गया है थोड़ा, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।